साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। दुनिया में कई ऐसे मशहूर एयरपोर्ट हैं जो आकर्षण का केंद्र हैं। लोगों को अलग अलग थीम में बने एयरपोर्ट के स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पसंद आते हैं। बहुत खास है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट स्वर्ण भूमि। एयरपोर्ट पर दिखाई देती है सनातन धर्म की झलक। एयरपोर्ट पर लगी समुद्र मंथन से जुड़ी बड़ी प्रतिमा। आकर्षक का केंद्र है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। दुनिया में कई ऐसे मशहूर एयरपोर्ट हैं जो लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र बने हैं। दूर दूर से लोग खासियत से बने इन एयरपोर्ट पर आकर रुक जाते हैं और लोगों को अलग अलग थीम पर बने एयरपोर्ट के स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पसंद आते हैं। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट हो या फिर हांगकांग का एयरपोर्ट, ये दोनों ही एयरपोर्ट अपनी अलग अलग खासियत और आलिशान होने की वजह से जाने जाते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया की राजधानी बाली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही गरुड़ पर सवार विशाल भगवान विष्णु की प्रतिमा नजर आती है। एक जमाने में मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, कैम्बोडिया और थाईलैंड में हिंदू धर्म और संस्कृति हुआ करती थी। ठीक ऐसा ही एक एयरपोर्ट थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बना है, जिसके दुनिया भर में काफी चर्चे रहे हैं, क्योंकि इस एयरपोर्ट के कुछ हिस्से हिंदू धर्म के कुछ फीचर को दर्शाते हैं। बैंकॉक के इस एयरपोर्ट का नाम है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट और ये दक्षिण एशिया का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। दक्षिण एशिया के इस एयरपोर्ट में अमृत मंथन से जुड़ी एक विशाल प्रतिमा हर किसी का ध्यान खींचती है, जिसमें देवों और राक्षसों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र में मंथन हुआ। ये पूरी प्रतिमा यहाँ खास थाई शैली में बनाई गई है। इसमें नाग के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान हैं। समुद्र मंथन की इस विशाल प्रतिमा में कई अलग अलग तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्री खासकर इस प्रतिमा के सामने फोटो खिंचवाते हैं। इतने बड़े स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। थाईलैंड अब बौद्ध धर्म मानने वाला देश है। एक समय था जब यहाँ संस्कृत भाषा भी बोली जाती थी। थाईलैंड के पूर्व राजा भूमि बोल ने इस एयरपोर्ट का नाम अगर स्वर्ण भूमि रखा तो इसे भगवान विष्णु को समर्पित किया, इसीलिए एयरपोर्ट में हर भगवान विष्णु की छटा नजर आती है। इसी एयरपोर्ट पर भगवान विष्णु के वाहक गरुण की भी बड़ी सी प्रतिमा लगी है। एयरपोर्ट पर भारतीय और बौद्ध संस्कृति की झांकी भी नजर आती है। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।